The only thing that I did not like about this show is the fact ki Hi guys, मैं हूं शांतनु. Welcome to 2023 और नए साल के साथ साथ आ चुकी है भुवन बाम की much awaited second web series. पहली थी ढिंडोरा जो आई थी YouTube पर और अब इनकी ताजा खबर आ चुकी है Disney Hotstar पे. तो क्या ये वाली web series better है ढिंडोरा से या फिर उससे बुरी है, इसी के बारे में बात करते हैं honestly saying में. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट गाइस, जैसे कि हम सबको पता है भुवन की पहली वेब सीरीज यानी कि ढिंडोरा जो उसने यूट्यूब पर रिलीज करी थी वो बहुत ही पॉजिटिवली रिसीव हुई थी. एंड मोर देन दैट, ढिंडोरा एज अ शो ने केटर किया था भुवन की एग्जिस्टिंग यूट्यूब ऑडियंस को. ढिंडोरा वॉज एन एवरेजली गुड वॉच एंड एट द सेम टाइम ढिंडोरा की जो स्टोरी है, जो भी भुवन के कॉन्टेंट से पहले से वाकिफ है उनको पता होगा कि ढिंडोरा में जितने भी प्राइमरी कैरेक्टर्स थे और जो स्टोरी थी वो एक्चुअली एक एक्सपेंशन थी जो भुवन का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूट्यूब यूनिवर्स है उसका. तो बेसिकली ढिंडोरा के रिसेप्शन के लिए भुवन के पास ऑलरेडी एक ऑडियंस का एको चेंबर था जो उसने सालों से क्रिएट कर रखा था. एंड एट द सेम टाइम जो भी कैरेक्टर्स थे ढिंडोरा के वो एक एक्सपेंशन थे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है. सो भुवन एक्चुअली न्यू कि मेरे को क्या क्या करना है या मैं क्या क्या कर सकता हूं इन कैरेक्टर्स के साथ, बिकॉज ये कैरेक्टर्स मेरे ही बनाए हुए हैं. तो आगे की कहानियां लिखनी, कैरेक्टर्स को आपस में जोड़ना, मल्टीपल एपिसोड्स बनाना शायद थोड़ा आसान हो. बट विद ताजा खबर, भुवन डिड नॉट हैव एनी ऑफ दीज थिंग्स. मेरे साथ जो होने वाला है वो धोखा भी है और यकीन भी. ताजा खबर के साथ मेरे हिसाब से भुवन के पास जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था दैट ही हैड टू कंप्लीटली टेक अ डिफरेंट टर्न. ही हैड टू कंप्लीटली डिटैच हिमसेल्फ फ्रॉम हिज वर्ल्ड ऑफ यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन. ताजा खबर डिमांडेड ऑफ भुवन बाम टू स्टैंड अप एज एन एक्टर जो अपने कंधों पे पूरी पूरी वेब सीरीज खींच सकता है. एंड दिस टाइम अराउंड उसकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है ही है, बट द फैक्ट ऑल्सो रिमेन्स दैट अनलाइक ढिंडोरा, ये वाली वेब सीरीज ताजा खबर एक ऐसे मेजर चंक ऑफ ऑडियंस के पास भी पहुंचेगी सिंस इट्स ऑन अ मेजर ओटीटी प्लेयर जो उसके यूट्यूब एग्जिस्टिंग कंटेंट से वाकिफ नहीं है. सो दिस ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट दैट ढिंडोरा एज अ शो एंड ताजा खबर एज अ शो शुड नॉट बी कंपेयर्ड, बिकॉज वो बहुत ही कंप्लीटली दो डिफरेंट यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं. एंड ताजा खबर आफ्टर वॉचिंग इट ऑनेस्टली सेइंग गाइस, इन ऑल ऑनेस्टी, इट इज अ फैंटास्टिक वन टाइम वॉच. समझ में नहीं आ रहा ये वरदान है या श्राप. इसका ट्रेलर देखने के बाद मुझे इससे कुछ खास उम्मीद थी नहीं. ये साफ साफ क्लियर हो गया था, गिव अवे कर दिया गया था कि एक रैग्स टू रिचेस की स्टोरी होने वाली है और ये एक रैग्स टू रिचेस की स्टोरी ही है. वही बॉलीवुड की पुरानी स्टोरी जो हमने देखी हुई है. एक गरीब लड़का है भैया, अपने सरकमस्टांसेस से सताया हुआ है, एक छोटी सी चौल में रहता है, छोटी सी कोई नौकरी करता है, कुछ भी छोटा मोटा कर लेता होगा. उसकी रातों रात किस्मत चमक जाती है और वो मुंबई का डॉन बन जाता है और फिर उसके सारे के सारे रिश्ते उससे दूर होने लग जाते हैं, स्टफ लाइक दैट. यही होता है इस शो में. बट द ब्यूटी ऑफ द शो इज कि इस सारी की सारी चीज को, इस पूरी की पूरी एज ओल्ड बॉलीवुड स्टोरी को बड़े ही अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया है. नसीब की बारिश है या किस्मत मेरे पे मूत रही है. इस सीजन में 6 एपिसोड्स हैं और सारे के सारे एपिसोड्स 25 से 35 मिनट की ड्यूरेशन के हैं, विच इज अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट पार्ट, क्योंकि कहीं पे भी स्टोरी खिंचती है ही नहीं. टू द पॉइंट एंड वेरी टाइट स्क्रीन प्ले है. एंड एट द सेम टाइम पहले ही एपिसोड में हम लोगों को यह बता दिया जाता है कि भैया भुवन की रातों रात किस्मत कैसे चमक जाती है, विच आई थिंक वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू टेल इन द वेरी फर्स्ट एपिसोड. क्योंकि आगे आने वाले जो एपिसोड है ना, कहानी कुछ नई नहीं है, कहानी रैग्स टू रिचेस की है, बट द ट्रीटमेंट ऑफ दैट स्टोरी इन द सक्सेसिव एपिसोड्स इज वेरी एंटरटेनिंग. मैं वसंत गावड़े, मुंबई का किंग, वड़ाला का वुल्फ. और शो देखते हुए मुझे हर जगह ये रियलाइज हो रहा था कि भैया भुवन एंड हिज टीम वेरी वेल न्यू द फैक्ट कि ये जो स्टोरी दिखाने जा रहे हैं इनको पता है कि ये कोई नई स्टोरी नहीं है. रैग्स टू रिचेस एक ऐसा स्लाइस ऑफ लाइफ है जो भैया बॉलीवुड ने सदियों से करा हुआ है. बट एट द सेम टाइम हिम एंड हिज टीम ऑल्सो रियलाइज द फैक्ट कि भैया रैग्स टू रिचेस एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसी चीज है जिसको अगर अच्छी एंटरटेनिंग तरीके से परोसा जाए तो चाहे कितनी बार भी उस पर पिक्चरें बन जाए वो एंटरटेनिंग साबित हो सकती है. एंड ताजा खबर इज आउट एंड आउट वेरी एंटरटेनिंग. मस्त बैठ के दुनिया भर का संडास सुनो. इस शो को देखते हुए एक चीज की याद आपको बार बार आएगी, हर एपिसोड में आएगी, इनफैक्ट हर दूसरे शॉट में आएगी, जहां भी भुवन अपनी रैग्स वाली लाइफ को छोड़ के ट्रांजिशन कर रहा होता है रिचेस वाली लाइफ में, और वो याद है वास्तव की. यहां पे बस थोड़ा स्टोरी का ट्रीटमेंट बहुत अलग तरीके से है. वास्तव में बहुत हार्डकोर, बहुत ही हार्डन क्रिमिनल बन जाता है वो. यहां पे ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है, यहां पे बहुत अलग ट्रीटमेंट है, लेकिन है वो क्राइम से रिलेटेड ही. वो तुम खुद देख लेना. मुंबई पे राज करता हूं राज, क्या
शो की कहानी बहुत ही सिंपल सी है और ये कोई स्पॉइलर नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। ये एक सुलभ में काम करता होता है, वहां पे एक बूढ़ी औरत पास आउट हो जाती है पॉटी करते हुए। वो शॉट भी बड़ा ग्रूसम सा है, वो अपनी ही पॉटी में पड़ी होती है और ये उसको वहां से जाके उठाता है और धोता है, उसकी मदद करता है। इन रिटर्न वो औरत इसको एक वरदान दे देती है। अब वो वरदान क्या होता है, वहीं से पूरी की पूरी कहानी शुरू होती है इस रोलर कोस्टर राइड की। मैं तेरी लाइफ चेंज कर देगा। शो में कैरेक्टर्स की डिटेलिंग पे बहुत ही प्रिसाइजली ध्यान दिया गया है। फॉर एग्जांपल, भुवन जो रोल प्ले करता है वो होता है एक लौंडे का जो एक सुलभ शौचालय को मैनेज करता होता है। और जैसे कि हमें पता ही है कि ये लौंडा एक समाज के निचले तबके से आता है, इसको लोग ट्रीट कैसे करेंगे, ये कपड़े कैसे पहनेगा, इसका हाव भाव चाल चलन कैसा होगा, इसके दोस्त यार कैसे होंगे, इसके बालों का रंग क्या होगा, इसने गले में क्या पहना होगा, चप्पल कैसी पहनी होगी, इन सब चीजों पर भी बहुत प्रिसाइज ध्यान दिया गया है। एंड भुवन हैज डन एन एक्सलेंट जॉब इन पोर्ट्रेइंग दिस कैरेक्टर। गल्ले पे सोया है संडा सा, कितना हुआ बता। भुवन के जो शॉट्स और सीक्वेंसेस हैं अपने मदर और फादर के कैरेक्टर्स के साथ इस शो के अंदर, जब वो आप देखोगे ना, एट द सेम टाइम इफ यू नो कि भुवन लॉस्ट बोथ हिज पेरेंट्स और वो कितने मुश्किल टाइम से निकल के आया है, इट विल गिव यू अ वेरी सैड वाइब। पर जब बात करी जाए कि भैया एक एक्टर की ग्रोथ कैसे होती है, तो भुवन का जब आप रोल देखोगे ना, इसमें परफॉर्मेंस देखोगे शो में, यू विल बी ब्लोन अवे। आई वॉज ऑल्सो ब्लोन अवे कि कितनी अच्छी तरह इसने सारे की सारी चीजें, जो भी चैलेंजेस इस स्क्रिप्ट के थ्रू इसने फेस करी है, उसको बड़ी जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया। I was not expecting such a good performance from Bhuvan. थाने का टाइगर, चेंबूर का चीता। देवेन भोजानी साहब को सालों बाद देख के किसी शो के अंदर पुरानी सारा भाई वर्सेस सारा भाई वाली यादें ताजा हो गई। एंड नीडलेस टू से ही इज एन ए क्लास आर्टिस्ट। और यहां पे भी महमूद भाई का वो कैरेक्टर प्ले करते हैं और उनका बहुत अच्छा खासा स्क्रीन टाइम है, एंड ही डज अ फैंटास्टिक जॉब। जेडी चक्रवर्ती साहब प्ले कर रहे हैं एक नेगेटिव विलेनियस रोल शो के अंदर और बहुत ही इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस है उनकी भी। श्रीया पिलगांवकर, शिल्पा शुक्ला, एवरीबॉडी, एवरी सपोर्टिंग कास्ट कैरेक्टर इन दिस शो हैज डन अ वेरी वेरी गुड जॉब। शो का बैकग्राउंड म्यूजिक सिनेमेटोग्राफी हैंड इन हैंड काम करती है और जो विजुअल्स जो शॉट आप देखोगे शो के, वो काफी अच्छे हैं, काफी डिसेंट हैं, कुछ ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे शो के लिए, ऐसी स्टोरी के लिए कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड सिनेमेटोग्राफी की जरूरत भी नहीं थी। शो में दो तीन गाने हैं, लव सॉन्ग्स भी हैं, एक रैप सॉन्ग भी है, लेकिन ठीक ठाक से हैं, कुछ बहुत ज्यादा रिमेम्बरेबल सॉन्ग्स नहीं है, बहुत इजीली फॉरगेटेबल है। लोगों का अच्छा टाइम नहीं टिकता। मुझे ये डर था कि कहीं कुछ जोक्स या डायलॉग्स कुछ ज्यादा करने के लिए, कुछ ओवर करने के लिए क्रिंज ना कर दे ये, लेकिन कहीं पर भी एक भी ऐसा जोक नहीं है, एक भी ऐसा डायलॉग नहीं है जो क्रिंज आउट कर देगा आपको। जोक्स कॉन्वर्सेशन के बीच में है, मतलब दो दोस्त कैसे बात करेंगे एक दूसरे से, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं तो चूतिया गांड कैसे बोलेंगे, मतलब कुछ भी चीज सुपरफिशियल नहीं रख रही, बहुत ही ऑर्गेनिक जोक्स और डायलॉग्स हैं। सब खबर वक्त से पहले मिलता है। तू नशा करके आया है क्या, खराब हो, बहुत क्रिंज हो, बहुत थप्पड़ की तरह आपको लगे, कोई ऐसी चीज हो जो आपको डिस्करेज कर दे आगे शो में ना बढ़ने से, ऐसा कुछ भी नहीं है शो में। क्या इस शो का सीजन 2 आएगा, लास्ट एपिसोड के लास्ट एक मिनट में आपको जाके ये हिंट ड्रॉप होगा कि हाँ इसका सीजन 2 आएगा। तो भैया इन नटशेल कहानी कुछ नई नहीं है ताजा खबर की, लेकिन जिस हिसाब से इस कहानी को ट्रीट किया गया है बहुत ही एंगेजिंग है, एंटरटेनिंग है और एक्साइटिंग है। क्या तुम ये वाला शो अपने घर वालों के साथ बैठ के देख सकते हो, तो भैया वेरी ऑनेस्टली सेइंग आजकल कुछ घर वाले बड़े कूल हैं इस चीज को लेकर, गाली गलौज को वो लोग माइंड नहीं करते, लेकिन कुछ घर वालों का तरीका अलग होता है, तो गालियां हैं शो में, इस डिस्कशन के साथ आगे बढ़ना घर वालों के साथ बैठ के। तो भैया जाओ जाके देखो ताजा खबर, बहुत ही रिफ्रेशिंग सी स्टोरी है, मजा आएगा। एंड द ऑनेस्टी दैट भुवन एंड हिज टीम पुट्स इन हिज वर्क, वो भी आपको क्लियरली दिखेगी शो के अंदर। और जाने से पहले, अगर तुम्हारे को चाहिए पार्ट 2 मूविंग इन विद मलाइका का, पार्ट 1 मैं कर चुका हूं, वो वाला मैंने जो रोस्ट किया था वो सिर्फ बेस्ड पहले 4 एपिसोड पे, उसके बाद 12 और एपिसोड आए हैं इस कवर की घमोरियों के। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस पे नाइसिल डालूं, तो मेरे को बता देना कि हां भैया पार्ट 2 चाहिए, वो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। और साथ ही साथ शॉर्ट्स भी मैं रिलीज करने वाला हूं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मंथ, लगभग 1 महीने में 10 से 12 शॉर्ट्स डालूंगा। कौन-कौन से टॉपिक पे तुम शॉर्ट्स देखना चाहोगे, लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले हफ्ते। मामा मियां, लज़ानिया, पप्पी, बाय-बाय। हाथ निकाल लो बेटा, तुम्हें क्या लग गया, पिछली 3 वीडियो से मैंने बोला नहीं तो मैं भूल गया कहां से हाथ निकालना होता है, बदमाश।